तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमिंग स्टडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एनडीए और एयरफोर्स में अक्सर आते रहते हैं, और ये बस दो सेकेंड में बनेंगे। बस आप अंत तक बने रहिए, आपको टोटल बात समझ में आ जाएगी कैसे बनेंगे, क्या होगा। बस आप अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है cot 45 डिग्री बाई tan 36 डिग्री, tan 20 डिग्री, cot 20 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, tan, cot, sin, cos, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप एक काम कीजिएगा, बस 70 और 20 कितना होता है 90। जब 90 ये आ जाए तो इसका मतलब ये 1, और इधर भी 45 और 36 कितना हो जाएगा 90 का फिर 1, और 1 + 1 = 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एनडीए का 2013 में एनडीए में देखिए पूछा गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन मत समझिएगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल बनेगा। आप जाकर पाथ फाइंडर का बुक उठा लीजिए, आरएस अग्रवाल का बुक उठा लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन आप 2 सेकंड में बस कर लीजिएगा, बस इसको 45 डिग्री और 36 डिग्री को जोड़ लीजिए, और फिर 20 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ लीजिए, 1 + 1 = 2। और भी क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के, तो आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 45 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी एनडीए 2001 के में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बहुत ही ईजी है, जितना आप लोग हार्ड समझ रहे हो उतना हार्ड है नहीं, बहुत ईजी है। शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ कीजिए कि देखिए कौन कौन जुड़ रहा है, 75 डिग्री लास्ट में है, और 25 और 15 कितने होते हैं 90 डिग्री। 75 और 15 कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और 65 डिग्री और 10 25 डिग्री, ये भी होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और फिर बच गया क्या, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। तो इसका इन दोनों का तो 1 हो जाएगा, इनका और इनका 1 हो जाएगा, फिर इनका और इनका 1 हो जाएगा, बचा क्या 10 45 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री का 1, और 10 25 डिग्री और 10 65 डिग्री का 1, और बचा क्या 10 45 डिग्री। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप लोग बस ये देखना है कि 10 में जो जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, 10 में इनटू में रहेगा, तो बस आपको चुपचाप 1 कर देना है, ठीक है। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एनडीए 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, साइन 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री, साइन 35 डिग्री बाई कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो जो 35 और 55 को आप ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री बाई साइन 35 डिग्री, इसको भी ऐड कीजिएगा तो आपका 1 आएगा, तो 1 और माइनस 2 कॉस 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = 2, और 2 - 1 = 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए आगे क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 sin 5 डिग्री बाई कॉस 85 डिग्री, 3 sin 5 डिग्री बाई कॉस 85 डिग्री प्लस 2 cos 33 डिग्री बाई साइन 57 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, बस 5 डिग्री और 85 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 3 × 1 हो जाएगा, 90 डिग्री की जगह पर 1 हो जाएगा, और प्लस कॉस 33 डिग्री बाई कॉस साइन 57 डिग्री, इसको ऐड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, और 3 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कीजिएगा, हम पूरा डिटेल के साथ आपको समझा देंगे। और ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे हम मैथ का जितने भी ट्रिक्स पर वीडियो है, और फिजिक्स का सीरीज चल रही है 1500+ सीरीज, और अंशुल सर की ऑलरेडी इंग्लिश की जो सीरीज है वो आप जाकर देख सकते हैं। टोटल के टोटल सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और लाइक करना जरूर मत भूलिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या बढ़ते हैं। अगला है sec 41 डिग्री इंटू साइन 49 डिग्री प्लस cos 49 डिग्री इंटू cosec 41 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़िएगा आप तो क्या आएगा 90 डिग्री, तो इसका 1
प्लस वन इजकल टू टू राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा टू। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग समझते हैं बहुत हार्ड है, आप मान निकालने लगते हैं, 90 मिनट चीटा करने लगते हैं, तो उसमें बहुत सारा बहुत देर हो जाती है। तो ऐसा इतना टाइम आपको एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में और SSR डबल ए के एग्जाम में नहीं मिलती है। तो इसलिए आप ट्रिक पर जितना सोल्व करना चाहते हैं मैथ को, तो उतना ट्रिक पर सोल्व कीजिए, ताकि आपका ये टाइम बचे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम नहीं मिल पाता है, बाकी सब सब्जेक्ट में आप समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं आराम से। जो मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ ज़्यादा थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो आपको ये पढ़ा पढ़ा सा आया हुआ रहता है, लेकिन मैथ में आपको बनाने वाली चीज़ होती है, इसलिए इसको ट्रिक पर बनाने की अधिक से अधिक कोशिश कीजिए, ताकि आपका मैथ बढ़िया से बन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस 35 डिग्री बाई कॉस 55 कॉस 35 डिग्री बाई साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बाई कॉस 79 डिग्री माइनस कॉस 28 डिग्री इंटू कॉसेक 62 डिग्री। तो देख सकते हैं यहाँ पे 35 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़िएगा तो 1 आएगा, प्लस इसको भी जोड़िएगा तो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आप इस सबको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए एनडीए 2013 में आया हुआ है, एनडीए 2001 में आया हुआ है, ये सब सारे क्वेश्चन आपको मिल सकता है पाथ फाइंडर का बुक और RS सवाल जो एनडीए एनए का आता है उसमें मिल सकता है क्वेश्चन, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस 70 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री टेन 5 डिग्री टेन 25 डिग्री टेन 45 डिग्री टेन 65 डिग्री टेन 85 डिग्री। तो देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो 90 आ जाएगा, तो 90 का 1, ऊपर भी ऐड कीजिएगा तो 90 आ जाएगा, इसका भी 1, और टेन 5 डिग्री और 85 डिग्री को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर टेन 5 डिग्री और टेन 85 डिग्री को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का 1, टेन 25 डिग्री और टेन 65 डिग्री का भी 1, बचा टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये तो बाई में 1 हो गया। ऊपर भी 55 डिग्री और टेन 35 डिग्री इसका भी ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री आता है, तो 90 डिग्री का आप लोग जानते ही हैं कि 1 होता है, तो इसका भी 1, तो 1/1 तो ये तो 1 हो गया। और इधर देख सकते हैं आप 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री कीजिएगा तो इसका भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप साइन 50 डिग्री बाई कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री और सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री माइनस कॉसेक 40 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री और 40 डिग्री कीजिएगा तो 90 डिग्री का 1, फिर यहाँ पर 1 और माइनस 4 इंटू 50 डिग्री इंटू 40 डिग्री है, कॉसेक 40 डिग्री है, तो इसका भी 1, ये दोनों को कीजिएगा तो 1 हो आपका हो जाएगा 4 इंटू 1, तो 1 + 1 = 2 और माइनस 4, 2 - 4 = -2। आप इसको लॉन्ग तरीका भी से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, लॉन्ग से कीजिए या जो मेरा ये फॉर्मूला है उससे आप कीजिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सारा मेडिकल का वीडियो और ये GD कैसे पास करें इस एयरफोर्स में जॉनसुल सर उनके द्वारा है, तो आप जाकर उनको बढ़िया से देख लीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको ऐसे, तो और कोई प्रॉब्लम होगा भी तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और ज्वाइनिंग तक आपका हम लोग साथ हैं, ये नहीं कि अभी से नहीं, ज्वाइनिंग तक आपका साथ, अभी से आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है, और आगे आपका मेडिकल फिजिकल जितना भी होगा GD ग्रुप डिस्कशन सारा तब तक हम लोग साथ हैं, जब तक जहाँ जहाँ आपका प्रॉब्लम होगा हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।